हेलो वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स टू मिनट्स अडोबी एक मिनट से कम का वीडियो रखूंगा, शॉर्ट्स में चला जाएगा, दो मिनट से ज़्यादा मैं रखना चाहता नहीं हूँ। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो एक्चुअली वर्थ नहीं है पूरी क्लास करें लाइक, या फिर मैं एक्चुअली मेरे ट्यूटोरियल में भूल गया हूँ तो मुझे लगा कि चलो मैं एक टू मिनट एडोबी का ट्यूटोरियल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक छोटी सी टिप टाइम कोड्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका सिंपल एक प्रोजेक्ट है और आप मैंने क्लिप ली हुई है, इसका टाइम कोड जो है टाइम बेस जो है वो है टाइम कोड्स के ऊपर। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फ्रेम्स में चाहिए, मुझे फ्रेम्स में कुछ देखना है। तो नॉर्मली इंसान क्या करेगा, फाइल में जाएगा, गलती करेगा एक्चुअली ऐसा करके, फाइल में जाएगा जनरल में जाएगा, यहाँ पर करेगा उसको टाइम कोड को फ्रेम्स पर, एक्चुअली फ्रेम्स में करेगा, उसको कुछ फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि एक्चुअली आपने प्रोजेक्ट सेटिंग चेंज करी है और ये सीक्वेंस पहले क्रिएट हो चुकी है। पर अगर मैं अब कोई सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ वो मेरी फ्रेम्स में ही आ रही है। देखिए, आप ये कर सकते हो, नई सीक्वेंस क्रिएट करो, पर ये तो करना नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस की सीक्वेंस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से चेंज करोगे फ्रेम्स, ओके फ्रेम्स आ गया, पर मुझे ये तो करना नहीं है, तो लंबा प्रोसेस है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस पर इस टाइम बेस पे करूँगा क्लिक। जैसे क्लिक करूँगा तो ये 4:29 क्या आ रहा है, ये 40 फ्रेम्स। देखिए 40 फ्रेम्स के बाद ये 1 हो जाता है, ये देखिए 40 फ्रेम्स के बाद ये 1 हो गया। सेम अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके फिर प्रेस करता हूँ तो ये 15 फ्रेम्स के बाद आपका 1 हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो ये मुझे फ्रेम्स में आ जाएगा, देखा एक बार और क्लिक किया तो फ्रेम्स में आ गया, और अगर मैंने एक बार और क्लिक किया तो ये टाइम कोड्स में आ गया। तो ये था छोटा सा मेरा एक टिप, विदाउट सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर आप लोग अपने फ्रेम जो है, ये टाइम कोड जो है, टाइम बेस जो है, उसको चेंज कर सकते हो और वापस टाइम कोड्स पा सकते हो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय।